तरह से आप देखें तो ETF में इन्वेस्ट करना काफी हद तक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बहुत सिमिलर होता है। जिस तरह आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें और फिर इंट्राडे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स वो स्टॉक का प्राइस अप डाउन हो सकता है और आप एंटर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह ETF में भी आपको इंट्राडे प्राइस मूवमेंट दिखती है, आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके वजह से मैं ये कह सकता हूं कि ETF स्टॉक से बेहतर इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि ETF में आपके पास एक अंडरलाइन पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है, एक पोर्टफोलियो है जो वेल डाइवर्सिफाइड हो सकता है, मल्टीपल सेक्टर्स और स्टॉक्स में निवेश किया हुआ एक पोर्टफोलियो है जो एक म्यूचुअल फंड के तरह लिस्ट हो गया है, जिसको हम ETF कहते हैं। तो जब भी आप एक ETF में इन्वेस्ट करते हैं वर्सेस एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो ETF जो है वो उसका मूवमेंट पूरे अंडरलाइन उसकी जो बास्केट है, उसकी जो पोर्टफोलियो है, उसके रिलेटेड मूव होगा। तो एक तरह से वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा और ये जो स्टॉक है वो सिर्फ उस स्टॉक के रिटर्न के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेगा। तो एक तरह से कहते हैं ना कि ETF क्या हो गया कि एक फूलों का, एक मल्टीपल फ्लावर्स का एक बुके हो गया, गुलदस्ता हो गया, और ये एक सिंगल फ्लावर हो गया। आप अभी हर दिन एक रोज फ्लावर लेने जाते हो और अभी सीजन ही नहीं है, रोज मिलते ही नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बट आप एक डाइवर्सिफाइड अलग अलग फ्लावर्स का एक पोर्टफोलियो लेके बैठे तो आपको एक सीजन नहीं, दूसरा सीजन है, तो आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जिस तरह से एक कोई इंडेक्स में अलग अलग सेक्टर और अलग अलग स्टॉक्स का एक्सपोजर रहता है, उसी तरह ये ETF आपको बेटर वे में डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है, जिससे कि बहुत हद तक आपका एक रिस्क प्रोटेक्शन भी हो जाता है। समटाइम्स आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं चल रहा है या एक सेक्टर नहीं चल रहा है तो दूसरे सेक्टर और स्टॉक उसको एक अपटिक दे सकते हैं। तो उस तरह से मैं ये कहूंगा कि ETF स्टॉक से बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। बाकी तो सब देखिए, ETF है, स्टॉक है, दोनों में इन्वेस्ट करने से आपको अपसाइड और डाउनसाइड रहता ही है। अच्छा भी चल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, खराब चला तो लॉस मिल सकता है। बट वेल डाइवर्सिफाइड वे में आपको ETF स्टॉक से बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।